आगरा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। जैसी संगति वैसी बुद्धि, सज्जन लोगों की संगति सुमति और दुर्जन लोगों की संगति कुमति। इससे पुराण के अनुसार अश्वत्थामा शिव जी का पांचवा अवतार था, परंतु कौरवों की संगति कारण ऐसे ऐसे कर्म किए कि मुक्ति नहीं मिली। कुसंग का प्रभाव था कि अश्वत्थामा के सिर में घाव लिए भटक रहा है। अश्वत्थामा के प्रसंग के माध्यम से श्री हरि सत्संग समिति द्वारा विजयनगर स्थित स्पोर्ट्स लॉज में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास मृदुलकांत शास्त्री ने संगति के प्रभाव को समझाया। कहा कि जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बुद्धि हो जाएगी, इसलिए अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। संयोजक श्री सत्संग समिति। आज दूसरा दिन है भागवत का, क्या कहना चाहिए? आज दूसरा दिन है भागवत का। भागवत में श्रद्धालु और ये भक्तजन दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। आज बहुत आनंद आ रहा है कथा में, और कथा का दूसरा दिवस है। भक्तों में कैसा उत्साह है? भक्तों में बहुत उत्साह है, बहुत नाच कूद के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, और जब जब भजन गाते हैं भक्त नाचने के लिए और नृत्य करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद बड़े भाव से कथा का श्रवण चल रहा है। नाम उमेश बंसल है, मैं हरि सत्संग समिति आगरा का महामंत्री हूँ। आज दूसरा दिन है भागवत का, क्या कहना चाहिए? आज दूसरा दिन है, कल कलश यात्रा रही स्टार्ट हुई थी, कल प्रथम दिन था। तो भागवत में काफ़ी महिलाओं ने और पुरुषों ने काफ़ी आनंद अनुभव किया। आज दूसरा दिन है, द्वितीय दिवस है। आज भीष्म स्तुति, सुखदेव आगमन, हिरण्यकश्यप वध का मंच संचालन होना है, जिसमें महाराज जी बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान दे रहे हैं, और अतुल कांत जी महाराज जी बहुत सही तरीके से, अच्छी तरीके से हमारी कथा का व्याख्यान कर रहे हैं। आगरा में